हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का चैप्टर चल रहा है और अभी तक हमने आपको इसमें लैग्रेंजिस मेथड, चारपेट्स मेथड, इसके लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनको लेक्चर्स को देखिएगा ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उन लेक्चर्स को देखिएगा। आज हम इसमें कुछ स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। हमारे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हमारे फोर स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड वन, स्टैंडर्ड टू, स्टैंडर्ड थ्री और स्टैंडर्ड फोर। आज इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड वन को डिस्कस करेंगे, उसका क्या वर्किंग रूल होता है, उस पर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, पहला हमारा स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड कहलाता है स्टैंडर्ड फर्स्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड फर्स्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, स्टैंडर्ड वन का क्या, किस तरह से आप पहचानेंगे कि हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फर्स्ट का है। तो इसमें क्या होता है कि इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली पी एंड क्यू, इक्वेशन में सिर्फ क्या होगा, पी क्यू होगा, एक्स वाई जेड की कोई टर्म नहीं आएगी। तो वही हम लिख रहे हैं, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली पी क्यू एंड नो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का कोई टर्म नहीं आएगा। पहचान हमारे पास क्या है इसकी, इक्वेशन में सिर्फ क्या होगा, आपका पी क्यू होगा और एक्स वाई जेड का कोई टर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट इज देखिएगा इस तरह से इक्वेशन में देखिएगा इस फॉर्म में होगा, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो किस में होगा, आपका पी और क्यू में, ये पहचान है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड वन में इक्वेशन में सिर्फ पी क्यू आएगा, एक्स वाई जेड हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्म लिख दिया है, तो इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल आप फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। तो लिखिएगा द कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन वाई, तो कंप्लीट इंटीग्रल को स्टूडेंट हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे, जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी, ये कंप्लीट इंटीग्रल आएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, इस जेड को अगर हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप लोग जानते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम क्या कहते हैं, पी, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, देखो ये वाई आ रहा है, तो क्या आएगा आपका, वी आएगा। और डेल जेड अपॉन डेल वाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्यू से। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये हमने पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो पी का वैल्यू क्या आ रहा है, ए, और क्यू का वैल्यू क्या आ रहा है, वी। इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा, पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करिएगा। तो इस तरह से देखिएगा, एफ ए कॉमा वी इक्वल्स टू जीरो, तो ये एक रिलेशन हमारा किसकी टर्म्स में आ जाएगा, ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि ए की वैल्यू आप बी की टर्म्स में कैलकुलेट करें या वी की वैल्यू आप ए की टर्म्स में कैलकुलेट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तब लिखिएगा हम, देन वी कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ए। तो बी को हम किसकी टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, ए के टर्म्स में, जरूरी नहीं ए को आप बी के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, सपोज हमने मान लिया कि वी की वैल्यू ये निकल कर आ रहा है फाई ऑफ ए, कंसीडर कर लिया से, ठीक है, तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करिएगा, जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस, हाँ, वी की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया है, फाई ऑफ ए प्लस सी। तो ये स्टूडेंट इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ना स्टैंडर्ड वन, स्टैंडर्ड फर्स्ट का वर्किंग रूल समझा दिया और उसका क्या फॉर्म होता है, कैसे पहचानेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। हाँ स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, आपको इस डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा। देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिविन है, वो लिखेगा वी हैव पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा। आपको अभी मैंने वर्किंग रूल में समझाया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड फर्स्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी एंड क्यू में। देखिएगा इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ पी और क्यू आ रहा है, लैम्डा तो हमारा कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक्स वाई जेड की कोई टर्म नहीं आ रहा, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फर्स्ट का है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लिखिएगा द कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है, द कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन वाई। तो कंप्लीट इंटीग्रल जो आप फाइंड आउट करेंगे, जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी, इस फॉर्म से हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसको ना पार्शियली डिफरेंशिएट आप कर लीजिएगा एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम पी कहते हैं तो ये ए आ जाएगा। इसी तरह इसको पार्शियली डिफरेंशिएट हम वाई के रेस्पेक्ट में कहेंगे तो इसको क्यू कहेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा।
तो ये आपने P और Q की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिएगा। देखिए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो ये क्या आपका आएगा, A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा। देखिए स्टूडेंट, मैंने वर्किंग रूल में आपको समझाया था कि आप A की वैल्यू V के टर्म्स में निकाले या V की वैल्यू आप A की टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अब आपके ऊपर डिपेंड है। तो स्टूडेंट देखिएगा, हमने वी स्क्वायर कैलकुलेट किया तो ए स्क्वायर माइनस लैम्डा, ठीक है, तो आप वी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर रूट में क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस लैम्डा। तो इस ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, पुटिंग इन सेकेंड, ठीक, इस वैल्यू को कहाँ पुट करेगा, सेकेंड इक्वेशन में। तो देखिएगा जेड इक्वल्स टू आप देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये वी की वैल्यू आप यहाँ पुट करिएगा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस सी, ठीक, तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। तो स्टैंडर्ड वन के ऊपर वेस्ट मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। हाँ शूट, देखिएगा ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। अभी हमने स्टैंडर्ड वन में आपको समझाया था कि हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सिर्फ पी और क्यू में आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पी क्यू एक्स वाई जेड सभी कुछ आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा रेड्यूसेबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फर्स्ट में रेड्यूस करेंगे। देखिए किस तरह रेड्यूस करते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट इसको ना जेड स्क्वायर से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ठीक। स्टूडेंट देखिएगा पी की वैल्यू को आप लोग जानते हैं क्या होता है, आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन जेड, q को आप क्या लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल फाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। तो स्टूडेंट ना हम रेड्यूस करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा पुटिंग, हमने यहाँ पुट कर लिया कैपिटल x इक्वल्स टू लॉग x, इसी तरह से देखिएगा कैपिटल y इक्वल्स टू लॉग y, इसी तरह से कैपिटल जेड इक्वल्स टू ये लॉग जेड, ये स्मॉल में है, इधर वाले हमारे कैपिटल में है। तो स्टूडेंट देखिएगा अगर इस कैपिटल एक्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं हम स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, वन अपॉन एक्स, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा इस कैपिटल एक्स को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, देखिएगा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा कैपिटल वाई को अगर पार्शियली डिफरेंशिएट हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, जीरो आएगा। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा कैपिटल वाई को पार्शियली डिफरेंशिएट हम स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन वाई आएगा, ठीक है। स्टूडेंट अब हम ना ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग जानते हैं देन पी, पी को आप क्या लिखते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये स्मॉल है ध्यान रखिएगा। देखिएगा आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स पार्शियल का थोड़ा सा यूज़ किया। इसी तरह से देखिएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, आप देखिएगा एक्स एक्स स्मॉल एक्स के। तो ये वैल्यू को आप यहाँ पुट करिएगा, देखिएगा क्या वैल्यू निकालते हैं हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब देखिएगा ये वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर रखा है, देख रहे स्टूडेंट ये वैल्यू, देखिएगा आपने ये कैलकुलेट कर रखा है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू देखिएगा कितना है आपका, वन अपॉन एक्स, और ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसी तरह से ये देखिएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू देख रहे हैं आप, ये क्या निकाल रखा आपने, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ गया। तो स्टूडेंट देख रहे हैं पी, पी की वैल्यू हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, देखिए क्या निकल के आ रहा है, वन अपॉन एक्स, इसको रखिएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, पी, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा ऑल्सो क्यू फाइंड आउट करते हैं, क्यू मीन्स क्या होता है, देखिएगा आप डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो स्टूडेंट इसको भी इस तरह लिखते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल वाई, फिर आप देखिएगा डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल वाई, कैपिटल डेल वाई इसका पार्शियल डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल वाई के। तो आप लोग देखिएगा ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ देखिएगा, ठीक है, तो ये आ रहा है वैल्यू और एक आपका ये आ रहा है। इन वैल्यूज को देखो, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो, और ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये देखिएगा कितना है, वन अपॉन वाई।
तो आप देख रहे हैं क्यू की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट कर लिया, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या निकल के आ रहा है आप देखिएगा, वन अपॉन वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये कैपिटल वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्या फाइंड आउट किया है क्यू। हाँ स्टूडेंट देखिएगा, एक सब्स्टिट्यूशन हमने ये पुट किया था, तो यहाँ पर देखिएगा आप, नाउ इस कैपिटल जेड को पार्शली डिफरेंशिएट करिएगा कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट देखिएगा कैपिटल एक्स किसके ऊपर डिपेंड है, स्मॉल एक्स, तो इसको ना आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल जेड और स्मॉल डेल जेड अपॉन कैपिटल एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे इस कैपिटल जेड को अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएट स्मॉल जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये क्या आएगा, वन अपॉन जेड आएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ये कैपिटल में चल रहा है, देख रहे हैं ये वैल्यू क्या निकाला हमने, वन अपॉन जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इस तरह से लिखिएगा आप। स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आप देखिए यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा आप ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, देख रहे हैं आप ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स। ठीक है, और ये देखिएगा आपका डेल जेड और अपॉन में डेल एक्स, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, देखो वन अपॉन जेड तो रहेगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप एक्स अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको कुछ इक्वेशन नंबर हम सेकंड कह देते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा एक वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं हम, डेल जेड अपॉन कैपिटल वाई। ठीक है, इसको भी इसी तरह करिएगा, डेल जेड ये कैपिटल जेड है, ये स्मॉल जेड है, ठीक है, स्मॉल जेड अपॉन कैपिटल वाई, ये वैल्यू आपने स्टूडेंट देखिएगा ये यहाँ कैलकुलेट किया है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करिएगा, देखिएगा ये वैल्यू पुट कर रहा है क्या, स्मॉल जेड है वन अपॉन जेड और ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डेल स्मॉल जेड कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए आप। ठीक है, देखिएगा क्या निकल कर आएगा, वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से कैपिटल डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये वैल्यू क्या आएगा, वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड कह दीजिएगा। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड का यूज़ कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, देखो ये पूरा टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, ये पूरा टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू कहाँ पुट करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में। स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पुट करते हैं, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो देखिएगा ये वैल्यू को, हाँ ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, तो इस वैल्यू को यहाँ रखिएगा, तो ये क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, देखो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, इसी तरह ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, डेल जेड कैपिटल डेल जेड चल रहा है, डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो स्टूडेंट देखिएगा अब हमने क्या करा, कैपिटल डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स, इसको कैपिटल पी कंसीडर कर लिया, कैपिटल डेल जेड अपॉन कैपिटल वाई, इसको क्या कंसीडर कर लिया, क्यू कंसीडर कर लिया, कैपिटल पी कंसीडर कर लिया, देखो ये सब कैपिटल में चल रहा है ना, इसलिए हमने कैपिटल, स्मॉल पी आप देखते हैं इधर, स्मॉल जेड और स्मॉल एक्स आ रहा है, इसलिए यहाँ कैपिटल जेड जो सब्स्टिट्यूशन माना है, कैपिटल एक्स माना है, उसको हमने कैपिटल पी और कैपिटल क्यू कंसीडर कर लिया। तो अब आप देखिएगा ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन, इसे आप फोर्थ इक्वेशन कह दीजिए। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें कि एक्स वाई पी क्यू जेड ये सभी कुछ आ रहा था, तो स्टैंडर्ड वन नहीं हो रहा था, स्टैंडर्ड वन में सिर्फ क्या आता है, पी एंड क्यू आता है, तो इस क्वेश्चन को हमने कुछ सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस कर दिया किसमें, स्टैंडर्ड वन में, तो ये हमारा क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड वन आ रहा है, विच इज, ठीक है लिखो, विच इज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट, ये आपका किस में आ रहा है, स्टैंडर्ड फर्स्ट करते हैं, तो लिखिएगा द कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन वाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने रिड्यूस करके करा है, तो कंप्लीट इंटीग्रल हम वर्किंग रूल में जेड इक्वल्स टू पुट करते हैं, लेकिन यहाँ जेड की जगह क्या है, कैपिटल जेड, ये ध्यान रखिएगा,
और ए एक्स कैसा, सभी कुछ कैपिटल में आएगा आपका, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, इस तरह से आप करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसको अगर पार्शियली डिफ्रेंशिएट हम करते हैं कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसको देखिएगा हमने क्या लेट करा, पी कैपिटल पी की वैल्यू ए आ गया। इसी तरह स्टूडेंट, अगर इसको कैपिटल को जेड को वाई कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखिएगा इसको हमने क्या मान लेट करा, क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गया, बी आ गया। तो ये वैल्यूस आप इसमें पुट कर दीजिएगा, पुटिंग इन फाइव, देखिएगा पुटिंग इन इक्वेशन फोर, सॉरी इक्वेशन फोर में पुट करिएगा। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो ए और बी में रिलेशन आ गया, वहाँ पर भी ए और बी में रिलेशन आता था। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप बी की वैल्यू या ए की वैल्यू किसी की टर्म्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने बी की वैल्यू किसकी टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया, ए की टर्म्स में। तो इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग इन फिफ्थ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फाइव में। तो इक्वेशन फाइव में इस वैल्यू को आप पुट करें, तो स्टूडेंट इस बी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फिफ्थ में आप पुट कर दीजिएगा। चलिए इधर लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा ये हमने पुट करा कैपिटल जेड चल रहा है आपका ए एक्स कैपिटल में, बी वी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया, वन माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी, इस तरह से करिएगा। तो आप देख रहे हैं ये तो हमने सॉल्यूशन कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा किस में है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड में है। तो आंसर भी हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड में चाहिए, स्मॉल पी में है, और ठीक है। तो देखिएगा आपने ये कैपिटल जेड, कैपिटल जेड की वैल्यू आपके पास ये है, कैपिटल एक्स आपने ये एज्यूम किया है, कैपिटल वाई आपने ये एज्यूम किया है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। कैपिटल जेड देखिएगा किसके इक्वल है, लॉग जेड, कैपिटल एक्स देखिएगा किसके इक्वल है, लॉग एक्स स्क्वायर रूट में वन माइनस ए स्क्वायर, कैपिटल वाई किसके इक्वल है, लॉग वाई प्लस सी। तो स्टूडेंट ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल आ गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमने रेड्यूस करा किस में, स्टैंडर्ड फर्स्ट में। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में जो स्टैंडर्ड फर्स्ट का कॉन्सेप्ट समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्टूडेंट साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यह है कि मैं जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।